आम सहित नंदीघोष टीवी मुख्य एडिटर शिशिर भट्ट मिश्र जोड़ी होती शिशिर आपन को स्वागत करशिर कौन कहे या कौन प्रश्न उठू ताकुने आलोचना करलु किंतु स्वेच्छाकृत अवसर को नहीं आउ कि प्रश्न उठू जमती कि आउ कि गुरुत्वपूर्ण दायित्व मिल पारे किंतु अनेक गुड़े विकासमूलक कार्यर से भागीदारी थे अनेक कम कर विकास पुरुष कहुए गायत्री तो भिके पांडियन जो स्वेच्छाकृत अवसर नहीं पक्षर कौन कारण निर्दिष्ट भाव में बर्तमान सुधा कि स्पष्ट होनी कौ कारण जो सी स्वेच्छाकृत अवसर ने किंतु कथा देखिवार अच्छी दीर्घ वर्ष धरिकी सी मुख्यमंत्री व्यक्तिगत सचिव थे 5T जो एक उपक्रम जहाँ कहा जाए विकास गोटे नारा थी 5T तार से सचिव थे आप देखुले गत किसी मस धरिकी विकास बोलिकी एवं जनसाधारण समस्या बुझापी बोलिकी से विभिन्न जिला गस्त करुले विभिन्न अंचल को गस्त करुले लोक मानू अभोग शुणुले तुरंत तार समाधान करुले यू कथा आप देखि छड़ा विभिन्न ओडार कमी उन्नति हम से बाहर को जाकर विदेश को जाकर पुंजी आने आरंभ विभिन्न कथा सब कथा प्रति ध्यान दौले एवं विकास को गोटे अन्य स्तर को नापी बोल उद्यम जारी रखी इवली परिस्थिति रे तांकर वर्तमान जो इस्तफा ये कौन कारण या पक्ष रही मुख्यमंत्री सचिव थे फाइव सचिव थी से इस्तफा देते स्पष्ट से किसी करना बर्तमान सुधा संभवतः आगामी दिन में आसंता दिन में जना पड़ जे तार कारण कौन कहीं इस्तफा देले से कथा जना पड़ बर्तमान जहाँ खबर आम पाखे रही 20 तारीख रे से स्वेच्छाकृत अवसर पाई बोल आवेदन करते बर्तमान केन्द्र सरकार अनुमोदन देखते जहा फल सी बर्तमान सी 2000 मसीह आईएएस अफिसर थे बेच रईएस अफिसर थे बर्तमान अव्याहत ने संभवतः एक आलोचना करा अन्य कोनोसी कारण पाई हो बा किसी अलग चिंताधारा नहीं से निश्चय जड़े युवा आईएएस अफिसर जो अवसर नौ निश्चित भाव योजना रही थी किसी जहाँ आगामी दिन में स्पष्ट हम किंतु से अनेक उदाहरण छाड़ी विकास किभली भाव करा जाए शिशिर कारण आप कहते स्कूल ट्रांसफरमेशन आम देखु पिला सहित केमती कथ होते पाने कौन करेंगे स्वप्न तर कौन रहा पचारे ऐतिह करिडर कथ कहतु ग्राउंड में पहुंची लोकों समस्या बुझा मुख्यमंत्री बार्ता पहुँचवा एमती अनेक कम मुख्य मुद्दा थी किभली भाव ओडार सर्वमोट विकास हो पार निश्चित भाव शिक्षा हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ आम देखी वर्ष वर्ष धरिकी कौ भाया भाव में ओडार प्राथमिक शिक्षा आरंभ माध्यमिक शिक्षा कहतु एवं कॉलेज शिक्षा अवहेलित अवस्था रही शिक्षा जो अव्यवहित थी कि ना से भिन्न कथ कि तार जो भित्तिमि इनफ्रास्ट्रक्चर से तार घोर अभाव रही समय समय को ताल देकर शिक्षा जहाँ हवा कथा जो धरण हाईटेक है बर्तमान शिक्षा जो भाई प्रजुक्ति विद्या से जोड़ी है आखि आगे रखिकी गत किसी वर्ष धरिकी जो स्कूल रूपांतरण कार्यक्रम चली देखी ओडार बहुत सब जिले में 5T माध्यम रे स्कूल रूपांतरण कार्यक्रम आरंभ करागला एवं स्कूल सर कॉलेज स्तर को बर्तमान कॉलेज गुड़िको 5T अधीन आसिकी से गुड़ा रूपांतरण कार्य अर्थात ओडार गोटे शिक्षा क्षेत्र में एवं शिक्षा भित्तिभूमि क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन अति कम दिन भीतर घटला एक कथा को जेके स्वीकार करिवो एथरे नि एहा एथरे कोनोसी संदेह नाही यति से से भूलिबनी टूरिस्ट कथा आपण जेंते कहले कि आमे देखिचो एमिति कोनोसी ऐतिह करिडोर नाही जोठी से पहुचि नाती मंदिर मलिनी भुवनेश्वर कथा कोंतु बा आमे जे देखिबा तारातारिणी कथा कोंतु सब पीठ को जाइचंते और तार किभली भाबे पुनरुद्धार हे पारिबो आहुरी उन्नति हे पारिबो अधिक रु अधिक टूरिस्ट आसबे सेथिबै मध्य से बंदोबस्त करचें बा सेथिबै मध्य नक्सा प्रस्तुत करचें आ शेष रे ताहा मध्य पूर्ण होइछि निश्चित भाव में देखिए प्रथम कथा तो हूँ श्रीक्षेत्र पुरीर भित्तिभूमि विकास जो प्रकल्प परिक्रमा प्रकल्प कार्य जहाँ चली चली बर्तमान चूड़ा रूपरेख नवाक जाऊँ श्री सेतु देखिए पुरी को लोकंर जावास पर्यटकों जावास पुरी को अधिक पर्यटक को धार्मिक पर्यटक को श्रद्धालु मान को आकृष्ट करने बोल जो कार्यक्रम हाथ को निगला सी गोटे जुगानकारी पदक्षेप कह गले देखिए जे पुरी सब अवहेलित पड़ रही पुरीर विकास नहीं करमी किसी आखिदृशिया कम हो ना इबे जो भाया कम हो सबुठ बड़ कथ हूँ परिक्रमा प्रकल्प एवं
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଶ୍ରୀ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣ ପୁରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବେ। ପୁରୀର ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କେବଳ ପୁରୀ ନୁହଁ, ଆପଣ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ଦେଖିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ସବୁଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବା ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ, ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେଖ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅହରହ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ତ ଐହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭଳିଆ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ମୋଟ ମନ୍ଦିର, ଆପଣଙ୍କର ସାରଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହଉ କି ସେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହଉ, ସବୁଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିବି ଗାୟତ୍ରୀ, ଯେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୋଉ ବଡ ଅବଦାନ କଥାଟି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଯେ 5T, ଯୋଉ 5T ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଧରିକିରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାଣୁତା ରହିଛି, ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି ତାକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 5T ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଗଲାଣି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।